सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरीश प्रोजेक्ट्स, और मेरा नाम है हरीश चौधरी। सो आज हम बनाएंगे एक स्मार्ट जेब्रा क्रॉसिंग प्रोजेक्ट। सो ये जो प्रोजेक्ट है, इसको मैंने पिछले बार भी इस प्रोजेक्ट का वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। सो मैं इसको दोबारा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे थे कि आप इस वाले प्रोजेक्ट को अच्छे से फुल डिटेल्ड बनाओ और इसके कनेक्शंस भी अच्छे से दिखाओ। सो मैंने इस वीडियो को इसीलिए बनाया है और इस वीडियो में मैंने बिल्कुल अच्छे से कनेक्शंस और आप चाहें तो इसको अपने कोई भी साइंस एग्जीबिशन में बनाकर लेकर जा सकते हैं, और आप चाहें तो इंस्पायर अवार्ड में भी लेकर जा सकते हैं। सो अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर लेना, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपना आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ से मैंने अपने पीसीबीज को ऑर्डर किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वेबसाइट का नाम है जेएलसी पीसीबी। इस वेबसाइट से आप सिर्फ $2 में 5 पीसीबीज ऑर्डर कर सकते हैं एनी कलर। आपको अपना पीसीबी डिजाइन करना है और उसको गरबर फाइल में सेव करके उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है, और अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने हिसाब से इसको सेट करना है, जैसे कि कलर, थिकनेस, mm लेयर, मटेरियल्स। सो इन सभी को सेट करके आपको ऐड टू कार्ट कर लेना है, और आप इसको अपने कार्ट में जाकर इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। और जो पीसीबी क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रांग है। न्यू यूजर्स को यहां पर $27 का कूपन भी मिलेगा। सो मैंने इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप भी पीसीबी ऑर्डर कर सकते हैं। सो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो भी मटेरियल्स चाहिए उसको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक Arduino UNO, जो कि मेरे सभी साइंस प्रोजेक्ट्स में कॉमन होता है। और हमें चाहिए 2 सर्वो मोटर्स, एक छोटा सा ब्रेडबोर्ड, और यहाँ पर हमें चाहिए 2 ग्रीन लाइट और 2 रेड लाइट्स। इनको कनेक्शन करने के लिए चाहिए कुछ जम्पर वायर्स, और हमें चाहिए कुछ सनबोर्ड सीट्स, और ये भी मेरे सभी प्रोजेक्ट्स में कॉमन होता है। सो अगर आपके पास सनबोर्ड सीट नहीं है तो आप कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम इस Arduino में कोडिंग करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर इस Arduino में केबल को कनेक्ट कर लेना है, और उसके बाद हमें इसके दूसरे साइड को लैपटॉप से कनेक्ट करना है। सो अब यहाँ पर हमें Arduino IDE सॉफ्टवेयर को ओपन करके यहाँ पर कोड को पेस्ट करना है। सो यहाँ पर मैंने कोड को पेस्ट कर दिया है, और इस कोड का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको आप भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने सभी सेट कर रखा है पहले से, और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि हम इस कोड को देखकर इसका कनेक्शन कर सकते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये LED लाइट का जो प्लस वाला पिन होगा उसे हमें Arduino के डिजिटल पिन नंबर 13 में कनेक्ट करना होगा, और जो दूसरा LED लाइट होगा उसे हमें डिजिटल पिन नंबर 12 में कनेक्ट करना होगा, और जो LED का जो माइनस वाला पिन होगा उसे हमें Arduino के GND वाले पिन में कनेक्ट करना होगा। और उसी तरह यहाँ पर सर्वो मोटर का जो सिग्नल वाला पिन होगा, जो ऑरेंज कलर का वायर होगा, उसे हमें पिन नंबर 10 में कनेक्ट करना होगा, और जो दूसरा होगा उसे हमें पिन नंबर 9 में कनेक्ट करना होगा। सो यहाँ पर हम इस कोड को देख कर कनेक्शन कर सकते हैं ईजिली। सो यहाँ पर आप इस टूल में जाकर पहले चेक करना कि इसका पोर्ट सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। सो यहाँ पर जो मेरा पोर्ट है ये है COM3, और आपके में जो भी पोर्ट शो कर रहा होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से टूल्स में जाकर इस बोर्ड में क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर Arduino UNO सिलेक्ट होना चाहिए। इसको सिलेक्ट करके हमें यहाँ पर इस एरो में क्लिक करना है जहाँ पर अपलोड लिखा होगा। सो इस एरो में क्लिक करके ये ऑटोमेटिक कंपाइल होना शुरू हो जाएगा, और कंपाइल होने के बाद ये अपलोड हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डन अपलोडिंग हो चुका है। सो चलिए अब हम इसमें कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस ब्रेडबोर्ड को Arduino से कनेक्ट करना होगा। सो ब्रेडबोर्ड का जो ये माइनस वाला पिन है उसे हमें Arduino के GND वाले पिन से कनेक्ट करना होगा, और जो प्लस वाला पिन है उसे हमें Arduino के 5 वोल्ट वाले पिन में कनेक्ट करना होगा। सो इसके लिए हमें यहाँ पर इन दोनों जम्पर वायर्स को कनेक्ट करना होगा। सो ये वाला पिन जो है ये है ब्रेडबोर्ड का प्लस वाला पिन, जिसको मैं Arduino के 5 वोल्ट वाले पिन में
कनेक्ट किया हूँ। और जो ब्रेडबोर्ड का जो माइनस वाला पिन होगा उसे हमें आर्डिनो के जीएनडी वाले पिन में कनेक्ट करना होगा और हम इस सर्वो मोटर का कनेक्शन करेंगे। सो सर्वो मोटर का जो ब्राउन वाला वायर होगा वो है जीएनडी और इसका जो रेड वाला वायर होगा वो है 5 वोल्ट और ऑरेंज वाला जो वायर होगा यह है सिग्नल के लिए। सो यहाँ पर मैंने अलग से जम्पर वायर कनेक्ट कर लिया है पहले से ही और इस जम्पर वायर को हम आर्डिनो से और इस ब्रेडबोर्ड से कनेक्शन करेंगे। सो सर्वो मोटर का जो रेड वाला वायर होगा उसे हमें आर्डिनो के 5 वोल्ट वाले पिन में कनेक्ट करना होगा और सर्वो मोटर का जो ब्राउन वाला पिन होगा उसे हमें आर्डिनो के जीएनडी वाले पिन में कनेक्ट करना होगा और उसके बाद सर्वो मोटर का जो ऑरेंज वाला पिन होगा उसे हमें आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 9 में कनेक्ट करना होगा और इसी तरह से हमें दूसरे सर्वो मोटर का भी कनेक्शन करना है। सो जो दूसरा सर्वो मोटर है उसके रेड और ब्राउन वायर को हमें इस 5 वोल्ट और जीएनडी में कनेक्ट करना होगा और इसका जो ऑरेंज वाला पिन होगा उसे हमें आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 10 में कनेक्ट करना होगा। सो यहाँ पर मैंने इनको कनेक्शन कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम को और इसके हिसाब से आप भी कनेक्शन कर लेना। सो अब यहाँ पर हम इन एलईडी लाइट्स को कनेक्शन करेंगे। सो यहाँ पर हमें एक ग्रीन लाइट और एक रेड लाइट को एक साथ यहाँ से कनेक्शन करना होगा। सो इसी तरह से हमें इन दोनों को भी कर लेना है और यहाँ पर इन सभी चारों एलईडी लाइट्स का जो जीएनडी वाला होगा मतलब कि माइनस वाला वायर होगा उन सभी को एक साथ हमें यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। सो यह है इन सभी एलईडी लाइट्स का जीएनडी वाला वायर और ये वाला जो वायर है इसे हमें डिजिटल पिन नंबर 13 में कनेक्ट करना होगा और ये वाला जो वायर है इसको हमें डिजिटल पिन नंबर 12 में कनेक्ट करना होगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी कनेक्शंस को कर लिया है। सो आप भी कुछ इस तरह से कर लेना सभी का कनेक्शन और यहाँ पर आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। सो इस डायग्राम को देखकर आप इजीली कनेक्शन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें इन सनबोर्ड सीट को कुछ इस तरह से सर्वो मोटर से स्टिक करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये एक छोटा सा रोड का मॉडल बनाया हुआ है और यहाँ पर हम सर्वो मोटर्स को स्टिक करेंगे, एक यहाँ पर होगा और एक इस साइड। सो आप भी कुछ इस तरह से कर लेना। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 80% बनकर रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैंने इन सर्वो मोटर्स को कुछ इस तरह से स्टिक किया हुआ है और उसके साइड में ही मैंने ये एक छोटा सा पोल स्टिक किया हुआ है सिग्नल लाइट के लिए और उसमें मैंने दो होल्स भी कर रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो हमारा प्रोजेक्ट बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो चलिए हम यहाँ पर इसका वर्किंग टेस्ट करते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है। सो उसके लिए हमें इस केबल को अपने फ़ोन चार्जर के अडेप्टर में कनेक्ट करना होगा जिससे कि ये ऑन हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है और ये अच्छे से वर्क भी कर रहा है। सो जैसे ये वाला गेट ओपन होगा सो यहाँ पर ये ग्रीन लाइट जल जाएगा और ये वाला गेट जब ओपन होगा तो ये वाला लाइट ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पर रेड लाइट हो जाएगा और जब ये वाला गेट क्लोज होगा तो यहाँ पर ये रेड लाइट ऑन हो जाएगा और वैसे ही जब ये वाला गेट जब क्लोज होगा तो ये वाला यहाँ पर रेड लाइट जल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इससे जो पीपल्स होंगे उनको पता चल जाएगा कि मतलब उनको एक सिग्नल मिल जाएगा कि हम रोड को क्रॉस कर सकते हैं। सो ये जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ हम बहुत सारे जगहों में कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि जो एक्सीडेंट होगा वो भी बहुत कम होगा। Thank you.
सो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट करना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपना आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही साइंस प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।